दोस्तों तो आज का वीडियो मेरा उन मम्मीज के लिए है जिनका बेबी 0 से 3 मंथ का है। दोस्तों मैं कुछ ऐसी जरूरी बातें आप लोगों को बताने वाली हूँ जो न्यू मम्मीज होती हैं उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं रिसेंटली मैं इस जो फेज से गुजरी हूँ। दोस्तों मेरे खुद के 3 बच्चे हैं और आप जानते हैं मेरा बेबी 4 मंथ का है, तो जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की है भी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ दोस्तों, और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो दोस्तों, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है, और जो न्यू मम्मीज है उनके साथ तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना मेरी वीडियो को, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों पहला पॉइंट तो मैं आप लोग को ये बताऊंगी, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है ना जो उसका हेड होता है चाहे आप फीड करा रहे हो, चाहे आप उसे ऐसे कंधे पे ले रहे हो, चाहे लिटा रहे हो, कुछ भी किसी भी पोजिशन में ले रहे हो, जो 0 से लेकर 3 मंथ का बेबी होता है उसका हेड होता है जो स्टेबल नहीं होता है, उसकी जो नसें होती है ना इनमें इतनी प्रॉपर जान नहीं होती जिसकी वजह से वो अपना हेड पूरा मतलब ऐसे अपने सर को सीधा कर सके, ठीक है दोस्तों। तो आपको जब भी अपने बच्चे को पकड़ना है या लेना है तो आप उसके सर को ना थोड़ा सपोर्ट दें हमेशा ही, जब तक आपका बेबी 3 मंथ का नहीं होता आप उसको नेक पे सपोर्ट देकर ही उसे लेना है दोस्तों, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, फिर जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हो दोस्तों कितने कितने टाइम में आपको दूध पिलाना है, आपका बेबी न्यू बॉर्न रहता है चाहे आपका बच्चा 3 घंटे के लिए सो रहा है चाहे 4 घंटे के लिए सो रहा है, आपको हर 2 घंटे में उठाकर अपने बच्चे को दूध पिलाना है दोस्तों, ठीक है। चाहे रात में चाहे दिन में अपने बच्चे को बार बार हर से पूरे 24 घंटे में से 15 से 16 बार आपको अपने बच्चे को फीड कराना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि न्यू बॉर्न होता है वो बार बार सुसु कर देता है, बार बार पोटी कर देता है दोस्तों, ठीक है। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि आप अपने बच्चे को जब भी ब्रेस्ट फीड देते हैं या फॉर्मूला मिल्क पिला रहे हो, ठीक है, फीड कराने के बाद उसको हमेशा डकार दिलानी है, ठीक है। डकार दिलाने के ऊपर मैंने एक पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है क्या क्या तरीके हैं डकार दिलाने के, तो वो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी दोस्तों, ठीक है। तो आप जब तक बच्चे को डकार ना आए कम से कम 10 मिनट तक आपको अपने बेबी को फीड कराने के बाद ऐसे अच्छे से डकार दिलानी है दोस्तों, जब तक डकार ना आए तब तक ना लेटाएं, उससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जो पेट में दूध पीने के साथ साथ गैस चली जाती है दोस्तों, वो गैस को बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, अगर वो नहीं निकालेंगे तो उसकी वजह से बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है और दूध बाहर निकाल देता है दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, ठीक है। चौथी चीज में आप जब तक आपके बेबी की जो आहार नाल होती है जो एमनियोटिक क्लॉट होती है जब तक वो ना निकले तब तक आप अपने बेबी को मत नहलाइए ना मालिश करिए, ठीक है। आप स्पंज बाथ दे सकते हैं उसको और 6 से 7 दिन में 10 दिन में वो जो आहार नाल होती है वो निकल जाती है दोस्तों, उसके बाद आप अपने बच्चे को नहला सकते हैं और मालिश भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और पांचवी चीज दोस्तों मैं आपको बताऊंगी डायपर के बारे में, कि अगर आप जो न्यू बॉर्न बेबी होता है स्टार्टिंग में तो आप उसे डायपर बिल्कुल भी नहीं पिलाना, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस में बताऊंगी, अगर आप डायपर का यूज करते हो स्टार्टिंग में 2 महीने तक तो बेबी को रेशेस होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है दोस्तों, और न्यू बॉर्न रहता है उसको एकदम से कोई चीज एकदम से सूट करे ना करे इस चीज का भी बड़ा खतरा रहता है दोस्तों। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, जो कॉटन की नैपीस आती हैं जिन्हें लंगोट भी कहते हैं, अब वो उसका यूज कर सकते हैं 2 महीने तक। अगर आप उसके बाद भी अगर हगीज लगा रहे हो तो हगीज आप रात के टाइम पे जो डायपर वगैरह होते हैं वो आप रात में यूज कर सकते हैं, पूरी 24 घंटे आप अगर डायपर पहना के रखोगे बच्चे को उससे बेबी की जो स्किन होती है ना वो बहुत ज्यादा रैश हो जाती है, उससे फिर रैशेज हो जाते हैं बेबी के, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने बेबी को 24 घंटे तक डायपर बिल्कुल भी ना पिलाएं दोस्तों, ठीक है। और हाँ एक बात का और ध्यान रखें दोस्तों कि आपके जब आपका न्यू बॉर्न बेबी आता है उसको एकदम से इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है दोस्तों, तो आप किसी के भी हाथ में अपना बेबी ना दें, अगर आप दे रहे हैं तो आप जैसे हैंड अच्छे से धुलवाएं, अच्छे से सैनिटाइज कराएं, उसके बाद अपने बेबी को दें, ठीक है। एकदम से बेबी हर किसी के संपर्क में आता है तो दोस्तों उससे भी बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है दोस्तों। तो 2 मंथ के बाद आप बेबी को टमी टाइम भी दीजिए, टमी टाइम देने से आपको क्या फायदे होंगे, टमी टाइम अगर आप दोगे तो आपका बेबी जो हेड जो स्टेबल करना सीखेगा, उससे आपके बच्चे का जो पेट है पेट उसमें गैस नहीं बनेगी दोस्तों, और जो गैस होगी वो पास हो जाएगी दोस्तों, और आपका बच्चा हाथ पैर अच्छे से चलाएगा दोस्तों, ठीक है। खाने में माँ को हमेशा इस टाइम पे बिल्कुल हल्का खाना खाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जैसा माँ खाती है वैसे ही माँ को बच्चे को फीड में मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको हल्के से हल्का खाना खाना है, ज्यादा मिर्ची वाला नहीं खाना है, ठीक है, नॉर्मल खाना खाना है, क्योंकि बच्चा आपको जो आप खाओगे वो आपके बच्चे को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपको हल्के से हल्का खाना खाना है जो आपके बच्चे को भी डाइजेस्ट रहे और आपको भी डाइजेस्ट रहे, ठीक है, जिससे आपके बेबी को भी कोई परेशानी ना हो और आपको भी कोई परेशानी ना हो, ठीक है। और बस यही कुछ बातें हैं दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आप अपने बेबी की केयर अच्छी तरीके से कर पाओगे, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों।
तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।